सुप्रभात सभी अजीज मित्रों को, परम श्रद्धेय और श्रद्धावत व्यवहार रखने वाले छात्र छात्राओं को, इस संस्थान और मेरे चैनल से जुड़े हुए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बंधुओं का मैं इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपकी सफलता के लिए और जीवन में आपकी कामयाबी के लिए उस माँ श्वेतांबरी से प्रार्थना करता हूँ, अर्ज करता हूँ, वो मुझे भी इतनी ताकत प्रदान करे कि आप स्वयं सफल हो, आपकी सफलता का आगाज आगे तक। चलो सीधे बिंदु पर आते हैं। आज हमारा जो बिंदु है राज्य कार्यपालिका का तीसरा पार्ट जो है, और तीसरे पार्ट का नाम जो क्या होगा, जिस तीसरे पार्ट का नाम होगा विधान मंडल। देखो विधान मंडल, जिस तरीके से आपने 79 के अनुच्छेद में संसद लिखी और 79 के अनुच्छेद में संसद के तीन पार्ट आपने किए थे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से विधान मंडल का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुपात है। अनुच्छेद कितना है? 168 है। और अनुच्छेद 68 में संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद, यानी कितने सदन हो गए? तीन हो गए। पहले नंबर पर विधान मंडल भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत एक संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, ये तीन रूप उसके सामने होंगे। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां पर राज्यपाल प्लस और क्या होगी? सिर्फ विधानसभा होगी वहां के विधानमंडल में, जहां विधान परिषद के गठन नहीं हुआ है या वहां उन दायरों को राज्य पूरा नहीं कर। 179 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल में राज्य विधानमंडल में विधान परिषद, यानी अनुच्छेद 179 में राज्य विधानमंडल विधान परिषद में विधान परिषद के राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के गठन सर्जन की विधि बताई गई है। क्या बताई गई है? विधि बताई गई है भारत के संविधान के आर्टिकल 179 में 169 में राज्य विधानमंडल विधान परिषद के गठन, उसके सर्जन और उसके सर्जन की उसमें क्या बताई गई है? विधि बताई गई है, या उसकी विधि का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है, ये भारत के संविधान के अंतर्गत किया गया। लेकिन अब उन दोनों के गठन की अगर बात की जाए तो आज वर्तमान समय में जो 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, और 7 राज्यों के अंतर्गत पहला राज्य जो आपका कर्नाटक, तो आपने लिख दिया कि फिर आपका दूसरा प्रधान राज्य जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में आपने लिख दिया। फिर तीसरा राज्य जिसका नाम है महाराष्ट्र, तो आपने लिख दिया। उसके बाद में जो राज्य है वो है बिहार, जिसमें आपने लिख दिया पी। उसके बाद में आंध्र प्रदेश राज्य है और आंध्र प्रदेश में आपने लिख दिया ए। उसके बाद में जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में आपने क्या लिख दिया? जे। भारत के संविधान के अंतर्गत यहां पर था, लेकिन दो परिवर्तन आपके सामने हुए। एक तो आंध्र प्रदेश में परिवर्तन यह हुआ, आंध्र प्रदेश 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना, 29वां राज्य अलग हुआ, और वो अलग कौन हुआ? तेलंगाना। वो अलग कौन हो गया? तेलंगाना। एक परिवर्तन तो ये हुआ, तो आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद होगी, तेलंगाना में भी विधान परिषद होगी। एक तो ये हो गया सिस्टम, कब हो गया? 2014। लेकिन आपसे एक बात पूछी जाएगी कि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 2007 में हुआ। ये हमारी पहले ही थी, लेकिन आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का गठन 2007 में हुआ,
और 2014 में ये भी विघटन हो गया। फिर एक परिवर्तन देखिए, 2019 कितनी है तिथि, 2019 के अंतर्गत एक बार और परिवर्तन हुआ और वो कितनी तारीख को हुआ था, 5 अगस्त 2019, कितनी तारीख है 5 अगस्त 2019 को एक बार फिर परिवर्तन हुआ और 2019 में हुए जो परिवर्तन है उसके अनुसार जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा आ गया। जम्मू कश्मीर की धारा 370 जिसमें, यानी जम्मू कश्मीर की धारा 370 जिसमें उसे एक विशेष राज्य का दर्जा था, उसके एक विधानसभा अलग थी, ध्यान से सुनिए बच्चों, जिसकी एक विधानसभा अलग थी, जिसकी विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था, जिसका अलग झंडा था, जिसका अलग प्रतीक था, जिस राज्य के लिए अलग से कार्य विधि थी, केंद्र सूची के विषय थे उसमें जो कानून बनाती थी या सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, नरेगा जैसा संबंधित अधिकार है, वो सारे अधिकार इसके ऊपर लागू नहीं होते थे। 5 अगस्त 2019 को ये संवैधानिक दर्जा जो ही हटा, उसकी विधानसभा भी 5 वर्ष की होगी, वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो दोबारा भारत की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और 2 जून 2014 को जो 29 राज्य अलग बने थे, अब उन राज्यों में एक राज्य वापिस हट गया और वो राज्य कौन सा हो गया, 28 राज्य हो गए। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर क्या बन गया भाई, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो जम्मू कश्मीर जो है वो क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना तो हमारे राज्यों की संख्या होगी 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या होगी 9। लेकिन एक परिवर्तन और हुआ, दमन व दीव जो थे उसको अब एक कर दिया गया, इसलिए ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो दो ऐसे आपका ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा है जहां पर विधान परिषद है, उस समय इसे विशेष दर्जा था और इसकी सदस्य संख्या का किस प्रकार प्रावधान होगा, ये प्रावधान अभी केंद्र सरकार के अधीन। अब हम पढ़ते हैं विधानमंडल के दोनों सदनों के बारे में। कह दिया कि भाई विधान परिषद का सर्जन कैसे होगा, अब देखिए आपने एक सदन यहां पर बना लिया विधानसभा और दूसरा सदन आपका यहां बन गया और उस सदन का नाम होगा विधान परिषद। इसका नाम है विधानसभा और इस सदन का नाम है विधान परिषद। तो सबसे पहले आप बात जो करेंगे वो विधानसभा की करेंगे, 170 और 171। विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 और विधान परिषद का गठन 1971। विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या, और वो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 500। लेकिन कम से कम संख्या कितनी होगी, 60 हो सकती है। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे अगर आप बात की जाए सिक्किम, जहां केवल विधान परिषद की, विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 32 है। उसके बाद मिजोरम है व गोवा है जहां की विधानसभा की सदस्य संख्या मात्र कितनी है, 40। ये अपवाद है, क्यों, क्योंकि इनको विशेष प्रावधान के तहत ये सुविधा मिली है, 500 से अधिक नहीं हो सकते और 60 से कम नहीं हो सकते, ये विधानसभा के गठन के लिए प्रावधान। राजस्थान की विधानसभा के सदस्य संख्या जो है वो सदस्य वर्तमान समय में 200 हैं और सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश में हैं, जो लगभग बता रहा हूँ, सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश में 481 हैं, जो विधानसभा इतिहास की सबसे अधिक सदस्य संख्या को तय करता है। विधानसभा के बाद विधान परिषद के गठन 171 है, इनकी सदस्य संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों, विधानसभा के कुल सदस्यों
का एक तिहाई होगा, कुल सदस्यों का कितना होगा, एक तिहाई होगा। यहां विधान परिषद की जो विधानसभा की जो संख्या होगी, अगर जिस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाएगा वहां विधान परिषद की सदस्य संख्या एक तिहाई होगी। लेकिन संविधान में इस बात का प्रावधान है कि यहां पर यह संख्या 40 से कम नहीं हो सकती, कम नहीं होगी। लेकिन एक जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य था जिसको 370 की धारा में जो विशेष प्रावधान दिया गया था, उस विशेष प्रावधान के चलते या विशेष सुविधा के चलते वहां पर 36 ही थी, फिर भी विधान परिषद का गठन था। अब आगामी हमारी संसद इस पर निर्णय क्या लेती है, क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो संवैधानिक दर्जा जो था, 370 की व्यवस्था जो थी वो हट चुकी है, आज ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो इस पर निर्णय अब आने वाले समय में जो राज्य की विधानसभा के द्वारा उसकी ली जाएगी। फिर उसके बाद में चुनाव देखिए, विधानसभा जो है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। फर्स्ट रूप से यानी कि जनता करती है, तो यानी फर्स्ट रूप से चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। लेकिन एक विधायक के चुनाव के लिए मिनिमम जनसंख्या का वो नेतृत्व करता है, कितना, 75,000 की जनसंख्या। लेकिन ये प्रावधान कब था, 1971 का जो परिसीमन था, जनगणना जो है उसको आधार बनाकर रखा गया। इनकी सदस्य संख्या में 84वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन है, 84वां संविधान संशोधन। और यह संशोधन कब हुआ था, 2001 ईस्वी के अंतर्गत हुआ। इस 84वें संविधान संशोधन के अनुसार इनकी सदस्य संख्या में 2026 तक कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, इनका चुनाव इस तरीके से किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव 1/3 सदस्य, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह देखने लायक, 1/3 सदस्य जो है वो किसके द्वारा चुने जाएंगे, विधानसभा सदस्य द्वारा, विधानसभा सदस्य द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/3 सदस्य नगरीय निकायों द्वारा, नगरीय निकायों के सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्य नगरीय निकायों के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा। 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य शिक्षकों के निर्वाचन मंडल द्वारा, 1/12 सदस्य शिक्षकों के निर्वाचन मंडल द्वारा इनको निर्वाचित किया जाएगा। वो शिक्षक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या अन्य जो विश्वविद्यालय में है और उनका इसकी सदस्यता निर्वाचन मंडल की ले रखी है, वो 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। 1/12 सदस्य जो है उन 1/12 सदस्यों का निर्वाचन जो किया जाता है, वो 1/12 सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाएगा, वो निर्वाचन किया जाएगा जो स्नातक वर्ग की डिग्री प्राप्त करने वाले, जिन्होंने 3 वर्ष स्नातक विद्यार्थी की डिग्री हासिल की है, उनका निर्वाचन मंडल होगा। तो स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले लेकिन कितने वर्ष, 3 वर्ष पूर्व प्राप्त की हो, उन स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले स्टूडेंटों का एक क्या बनेगा, निर्वाचन मंडल बनेगा। 1/12 सदस्य है और उनका नामांकन निर्वाचन मंडल में हो रहा। फिर तीसरी बात है कि अब दो चीज आ गई, 1/3 और 1/3, इन दोनों के लिए यह 3 वर्ष से कार्यरत और यह 3 वर्ष की सरकार। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे, इसके द्वारा मनोनीत होंगे, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। 1/6 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होंगे, हमारा जो राज्यपाल है
उस राज्यपाल के द्वारा इनको मनोनीत किया जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखिए, राजस्थान में अगर विधान परिषद का गठन किया जाए, राजस्थान में अगर विधान परिषद बनाई जाए, अगर राजस्थान में आप विधान परिषद बनाओगे तो उसके गठन का प्रावधान क्या होगा? 200 का एक तिहाई कुल सदस्य होंगे, 200 के 1/3 निकालो तो 200 के 1/3 हो गए 66, ठीक है। अब 66 में से एक तिहाई सदस्य विधानसभा, तो 22 सदस्य होंगे विधानसभा। फिर एक तिहाई नगरीय निकाय, तो 22 किसके होंगे? नगरीय निकाय। फिर 11 हो गए, फिर 1/12, 1/12, 1/12, तो ये 66 होते हैं, तो 3 बच गए। अब इनमें 1/12 में 1 में हो जाएंगे 5, और 1 में कितने हो जाएंगे? 6, तो 11 हो गए। और 11 सदस्य मनोनीत कौन करेगा? राज्यपाल। ये आंकड़ा इस तरीके से विधान परिषद के गठन का होगा। तो भारतीय संविधान के मुताबिक आर्टिकल 171 में जो विधान परिषद के सदस्य होंगे उनके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा द्वारा किए जाएंगे, 1/3 सदस्य नगरीय निकायों द्वारा किए जाएंगे, 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा किए जाएंगे, 1/12 स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले, 1/6 वो राज्यपाल को के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ये प्रावधान उसके द्वारा किया जाएगा जो भारत के संविधान के मुताबिक है, और विधान परिषद के गठन के दौरान इस बात को समझाया गया जिसको आपको इस लैंग्वेज को इस तरीके से आपको लिखना है। हमारी जो विधान परिषद की अगली बात जो हमारी यहाँ पर आती है कि भारतीय संविधान में कुछ बातें यहाँ पर दिया गया कि इनका चुनाव कैसे होता है। तो देखो, इनका जो चुनाव है, जैसे आपने दोनों लिखे, इधर आपने लिखा विधान परिषद की बात की है, विधान परिषद। अब विधानमंडल में तो सीधी सी बात ही 75,000 की जनसंख्या में चुनाव हो गया, लेकिन विधान परिषद में का चयन के सदस्यों का निर्वाचन, के सदस्यों का निर्वाचन अनुच्छेद 171 भाग 4, अनुच्छेद 171 भाग 4 में विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुच्छेद 171 भाग 4 के अंतर्गत किया गया है, वो अनुमातिक एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा गुप्त मतदान होता है। यहां पर गुप्त मतदान, एक बात अगर आपको मोर क्लियर करें, जहां राज्यसभा के सदस्यों में भी मैंने एक बात बताई थी कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान था, लेकिन जब भ्रष्टाचार बढ़ा तो इसको खुला मतदान कर दिया था। यहां नोटेड बात यह आती है कि जब राज्यसभा का चुनाव इसी पद्धति से होता है तो राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में पहले गुप्त मतदान था, लेकिन फिर ये भ्रष्टाचार जैसी व्यवस्थाएं बढ़ी है उसको खुले मतदान के रूप में आयोजित किया गया या खुले मतदान के रूप में लिखा गया। विधानसभा में दो प्रावधान हो रहे, एक तो विधानसभा में आर्टिकल 333 और एक 334 देखिए। अनुच्छेद 333 क्या कहा गया, अगर उस राज्य के अंतर्गत, अगर उस राज्य के अंतर्गत एंग्लो इंडियन लोग रहते हैं, अगर उस राज्य के अंतर्गत एंग्लो इंडियन सदस्य रहते हैं तो एंग्लो इंडियन सदस्य रहने की स्थिति में एक सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है। कितने सदस्य को? एक सदस्य को मनोनीत करता है। राजस्थान में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है नहीं, इसलिए यहाँ पर मनोनीत नहीं करता। अगर जिस राज्य के अंतर्गत इनके पास पर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है तो उस राज्य का राज्यपाल उसे क्या करता है? मनोनीत करता है। और 334 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है जो एससी है, एसटी जो है, उसके लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। जैसे 330 में जो एससी एसटी के सीटों का लोकसभा के लिए, 331 में यानी लोकसभा में एंग्लो इंडियन है, उस तरीके से 333 में एक सदस्य एंग्लो इंडियन का प्रावधान है। और 334 का जो अनुच्छेद है भारत के संविधान के मुताबिक
उसमें एससी एसटी और इनके सीटों का क्या दिया गया, वर्गीकरण दिया गया है। फिर अगली चीज देखिए, यहां पर अगले बिंदु के रूप में जो बातें आपकी आती हैं वो ये आती है कि भाई इनका कार्यकाल कितना है। देखो इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, क्योंकि एक अस्थायी सदन है और अस्थायी सदन होने की वजह से इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। विशेष विषम परिस्थिति में इनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे अभी कोरोना के कारण जो बिहार वाला मुद्दा हो रहा, हो सकता है 1 वर्ष बढ़ा दिया भी जाए, लेकिन 5 वर्ष कार्यकाल होता है। पहले क्या था कि 5 अगस्त से पहले, 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की एक विधानसभा ऐसी थी जिसका कार्यकाल कितने वर्ष था, 6 वर्ष। 5 अगस्त 2019 से पहले किसकी विधानसभा थी, जम्मू कश्मीर की, लेकिन जो ही 5 अगस्त को जब 370 खत्म की गई तो उसका कार्यकाल भी कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया। विधान परिषद के सदस्य हैं, उस विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है, ये विधानसभा का कार्यकाल है 174/2 में, इसे समय से पूर्व भी राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की परामर्श से भंग कर सकता है, लेकिन विधान परिषद का कार्यकाल वो कितना होता है, 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष। वही नियम है, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं या सेवा काल के ऊपर चले जाते हैं भारत के संविधान के मुताबिक। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि विधानसभा का विघटन होता है वो 174/2 में होता है, 174/2 में विधानसभा का विघटन कौन करता है, राज्यपाल। कौन करता है भाई, राज्यपाल। राज्यपाल विधानसभा का विघटन करता है वो 174/2 में करता है, लेकिन विधान परिषद का विघटन नहीं होता है, क्योंकि विधान परिषद एक क्या है, स्थायी सदन है, तो विधान परिषद एक स्थायी सदन होने के कारण इसका विघटन नहीं हो सकता। ये बात आपको भारत के संविधान के मुताबिक आपको क्या करनी है, पढ़नी है। कोरम गैर पूर्ति दोनों की 1/10 है, क्या भी अगर कोरम लिखा जाए या आपको गैर पूर्ति पूछी जाए तो कोरम गैर पूर्ति दोनों की कितनी, 1/10। किसी भी प्रस्ताव पर आपको लिखना क्या पड़ेगा, किसी भी प्रस्ताव पर कब चर्चा होगी, कब वो आगे बढ़ेगा, किसी भी प्रस्ताव पर उस सदन के 1/10 सदस्य उपस्थित होने अनिवार्य है। अगर 1/10 सदस्यों की उपस्थिति नहीं हो पाती है तो वो उसे क्या कर देता है, यानी उसे सत्र को, जो सदन है उसको क्या कर देगा, उस समय के लिए स्थगित कर लेगा, और स्थगित नहीं करेगा तो एक काम और भी कर सकता है जो मैंने आपको लोकसभा में पढ़ाया था कि भारत के संविधान का जो 99वां अनुच्छेद है और उसे 100वां अनुच्छेद है कोरम गैर पूर्ति, उसमें वो उसके सदन को निलंबित भी कर सकता है, तो इसमें स्थगित भी किया जा सकता है और निलंबित भी किया जा सकता है। ये प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत दिया गया कोरम गैर पूर्ति के मामले में विधान परिषद और विधानसभा के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया। भारत के संविधान के अंतर्गत 173 का जो अनुच्छेद है उस 173 के अनुच्छेद के अनुसार इनकी योग्यताएं क्या है, यानी अनुच्छेद 173 है और उसमें इसकी क्या दी गई है, योग्यताएं दी गई है। तो योग्यताएं क्या है, भारतीय संविधान का आर्टिकल जो है और उस आर्टिकल 173 के तहत जो योग्यताएं है वो एक तो यही है कि वह भारत का नागरिक हो, यही चीज तो लागू होती है विधानसभा में, और वह भारत का नागरिक हो यही चीज लागू होती है विधान परिषद में, उसकी उम्र 25 वर्ष, यानी एक विधानसभा के सदस्य का चुनाव 25 साल की उम्र में होगा लेकिन विधान परिषद की उम्र होगी 30 वर्ष। वही राज्यपाल, राज्यसभा और लोकसभा वाला सिस्टम है, यहाँ उसकी उम्र होगी 25 वर्ष और यहाँ उस विधान परिषद की उम्र कितनी होगी, 30 वर्ष। बाकी पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ पद पर कार्यरत ना हो, ये सारी चीजें उसके ऊपर जो सम्मान है
केवल ये बिंदु अलग रखना है, यहाँ 25 वर्ष और यहाँ कितने वर्ष चाहिए, 30 वर्ष चाहिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 173 के अंतर्गत इस बात का एक सामान्य उल्लेख की शब्दावली के अंतर्गत दिया गया है, या इस बात का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत एक जगह यहाँ पर आता है विधानसभा अध्यक्ष, और एक यहाँ पर विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद, और उसमें एक शब्द आता है सभा। भारत के संविधान में विधानसभा अध्यक्ष का चयन 178, इसमें अनुच्छेद कितना आता है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद आएगा 178, और विधान परिषद का सभापति है उसमें क्या आएगा, अनुच्छेद 182। अनुच्छेद कितना आएगा, 182। ध्यान से सुनो, जिस प्रकार, देखो एक शब्द में देखिए, जिस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष का चयन 193 में होता है, उसी तरीके का चयन 178 में विधानसभा अध्यक्ष का होता है। जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा में से ही एक व्यक्ति को जो अधिक बहुमत मिलता है उसके आधार पर उसको अध्यक्ष बनाया जाता है, 193 में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अनुच्छेद 178 में, यानी कि विधानसभा में एक सदस्य को लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष में मैंने पढ़ाया था कि वहां पर जब नई लोकसभा का गठन होता है, सबसे वयोवृद्ध और वरिष्ठ नागरिक होते हैं उसको प्रमोट स्पीकर बनाया जाता है। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, फिर भी बनाया जाता है। और यहां पर जो विधानसभा अध्यक्ष जो होता है उसको भी पहले प्रोटेम स्पीकर बनता है और फिर ये अध्यक्ष चयन होता है। ये 178 में है, और वो ओनली सॉरी 93 विधानसभा की कार्रवाई का संचालन, प्रश्नों की अनुमति देना, अनुशासन बनाए रखना, वित्त विधेयक का निर्धारण करना, कार्य संचालित करना, सदन की कार्रवाई करना, सारी चीज उसके पास है। और वो वही कार्य है जो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को, और राज्य की विधानसभा में राज्य विधानसभा के, वही दल बदल का संज्ञान लेना, सदन की कार्रवाई का संचालन करना, स्थगित करना, सारी चीजें वो क्यों है। दूसरी चीज, यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, सारी चीज वही। यहाँ 182 के अंतर्गत वहां आपने बता कि जो अनुच्छेद 64 में आपने पढ़ा, वहां आपने केंद्र सरकार में पढ़ा, जो अनुच्छेद आपने 64 में पढ़ा कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये आपने अनुच्छेद कितने में पढ़ा है, 64 में। और दूसरा अनुच्छेद आपने कौन सा पढ़ा, 89, जहां राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। ये बात यहाँ लिखी हुई है, स्पष्ट स्पष्ट, लेकिन यहाँ एक परिवर्तन करोगे आप कि यहाँ विधान परिषद का जो सभापति होता है वो यहाँ कोई उपराज्यपाल पद होता नहीं है, इसलिए यानी इन्हीं में से एक का चयन किया जाएगा, इन्हीं में एक का सभापति होगा, एक उप सभापति होगा, जो मूल सदस्य हैं उन्हीं मूल सदस्यों में से एक सभापति हो जाएगा और एक उप सभापति हो जाएगा, वहां पर यह परिवर्तन। फिर एक चीज है, जैसे वहां पर राज्यसभा को आर्टिकल 249 और 312 का विशेष प्रावधान था, विधान परिषद को कोई विशेष प्रावधान नहीं, और यहाँ पर विधानसभा में अगर बात की जाए तो वहां पर यह था कि विधान लोकसभा में कोई एक सदन प्रस्ताव को पारित कर दे, दूसरा उस पर कोई संज्ञान ना दे, 6 महीने तक कोई जवाब नहीं दे, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। लेकिन राज्य के अंतर्गत इस विधान परिषद और विधानसभा के संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान इसके अंतर्गत नहीं दिया गया है। तो ये दोनों बातें, एक तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है और एक विधान परिषद में सभापति है वो उनके मूल रूप से उन्हीं में से क्या किए जाएंगे, चयनित किए जाएंगे, बाकी जो शक्तियां हैं वो लगभग बराबर है, लेकिन विधान परिषद को कोई विशेष प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है, जैसे योगी आदित्यनाथ उस समय सांसद थे, त्यागपत्र दिया और यूपी में विधान परिषद से आके क्या बन गए, सीएम बन गए, ये विधानमंडल का गठन था। बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और बेहतर पढ़िए, और बेहतर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ इस चीज़ को, और मुझे एक अच्छी ऊर्जा दो लाइक करके। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में अगली शक्तियों के रूप में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।